एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम जाने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द फ्राइज। यस, तो वैसे यहाँ पर न्यूजीलैंड में क्या है कि सिर्फ लोगों को ये पता है, अगर वो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो उन्हें ये पता है कि हाँ, इंडियन प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में चले जाओ, बस वहीं प्योर वेजिटेरियन मिलेगा। तो हम चार ऐसे रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं जो प्योर वेजिटेरियन हैं बट वो इंडियन नहीं है। जैसे कि अगर आप बर्गर वगैरह, हॉट डॉग वगैरह के शौकीन हैं, फ्राइज़ के शौकीन हैं, और जैसे जैपनीज़ है, मोमोज़ वगैरह, इस टाइप की चीज़ों के अगर आप शौकीन हैं, तो न्यूजीलैंड में वो कहाँ वेजिटेरियन, स्पेशली ऑकलैंड में वो कहाँ वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन मिलेंगी। तो हम आपको वहाँ लेके जाने वाले हैं। तो ये आज हमारा पहला वीडियो है, इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। तो इस सीरीज़ में टोटल चार वीडियोज़ होंगी और चार डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में होंगी। ठीक है, वो इंडियन, वो इंडियन रेस्टोरेंट नहीं होंगे, वेजिटेरियन होंगे बट इंडियन नहीं होंगे। और ये एपिसोड वन है, ठीक है, तो दिस इज द वन एपिसोड। तो चार एपिसोड हम रिलीज करेंगे, सो 10-15 मिनट्स लॉन्ग इट विल बी। और उसमें हम जो भी खाएंगे बताएंगे कि हमने क्या क्या टेस्ट किया, उसका टेस्ट क्या है, एंड देन वी विल ऑल्सो लेट यू नो गाइस। तो फिर चले। हाँ, और एक बात और, अब ये तो है चलो फूड की, लाइक वेजिटेरियन फूड की वीडियो सीरीज है, बट आप बोर ना हो इसलिए हम इंफॉर्मेशनल और ऐसी व्लॉगिंग वीडियो बनाते रहते हैं। क्योंकि क्या है, कई बार हम एक्चुअली इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी बनाते हैं जो स्टूडेंट्स के या जो भी न्यूजीलैंड आने वाले हैं उनकी हेल्प हो उससे, या जो न्यूजीलैंड में रहते हैं वो भी। तो बट क्या है, वही चीज़ें करके बंदा बोर होने लगता है। तो हमने सोचा आपको बाहर की चीज़ें, न्यूजीलैंड में क्या घूमने लायक है, क्या खाने लायक है, तो वो हम आपको दिखाएं। तो आज हम जो बेचारे प्योर वेजिटेरियन हैं, जैसे हम भी वेजिटेरियन ही हैं, तो उनके लिए हम दिखाने वाले हैं कि अगर वो खाने के शौकीन हैं, वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ ऑकलैंड में। तो आज हम जो भी उस रेस्टोरेंट में खाएंगे, वी विल ट्राई ईच एंड एवरीथिंग, और आपको हम रिव्यू देंगे। तो अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या खाया और किस किस का टेस्ट कैसा था। तो मेक श्योर यू स्टिक टू द एंड। यस, लेट्स गो, लेट्स गो। So where we are. तो अभी हम सिटी पहुंच चुके हैं, पीछे देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। तो कार हमने कर दी है पार्क और अब हम जा रहे हैं टेस्ट करने। Let's go.
सो अब हम आ चुके हैं तमाकी ड्राइव पे और पीछे आप देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा व्यू है तो हमने सोचा समंदर है, तो हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं और आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं और आपको दिखाते भी हैं। हाँ, तो वहाँ से हम इसलिए आ गए बिकॉज वहाँ खाते खाते आ गई थी बारिश थोड़ी सी और वो ओपन रेस्टोरेंट है, सो फिर इसलिए हमने सोचा, काफ़ी ठंड हो गई थी तो फिर हम वहाँ से अनफॉर्चुनेटली हमें उठ के आना पड़ा, तो हमने बैठकर कार में खाया क्योंकि हमें भूख भी लगी थी, ऑकलैंड का वेदर, तो हमने बैठकर कार में खाया। तो लेकिन हमने सोचा आपको बता दें कौन सी चीज़ कैसी थी, किसका टेस्ट कैसा था। तो सबसे पहले ये जो प्राइस थी, ये आपको कैसी लगी? मुझे फ्राइज तो ठीक ही थी, लाइक मुझे कुछ खास इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि उन्होंने पता क्या किया था, उन्होंने उसके ऊपर ड्रेसिंग कर दी थी सॉस की। हाँ, सो सॉस वो ऐसी थी कि जो हम घर में टमाटो चटनी वगैरह जो मिक्स बनाते हैं हम, हरी मिर्च धनिया वगैरह जब डाल के जो हम घर में नॉर्मली चटनी बनाते हैं इंडियन चटनी, वो वैसा सालसा था मैक्सिकन, और साथ में उन्होंने हेलपिनोज और प्लांट बेस्ड चीज़ जो है वो मिक्स किया था उसमें, है ना। सो 5 out of कितने देंगे आप? 2.5 मैं 3 दूंगी बिकॉज मुझे फ्राइज पसंद है, सो 5 में से 3। एंड देन उसके बाद सेकंड नंबर हॉट डॉग। यस, हॉट डॉग जो ये वाला था ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका टेस्ट अच्छा था बिकॉज अच्छा था, लेकिन इसमें गार्लिक थोड़े से ज़्यादा डाले हुए थे, गार्लिक, बट मुझे गार्लिक पसंद है, सो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था। सो अगर मुझे देना हो तो मैं 5 में से 4.5 दूंगी। आप? मैं दूंगा 4। ओके, देन उसके बाद थर्ड नंबर है ये बर्गर, तो बर्गर आपको कैसा लगा? बर्गर तो अच्छा ही था, बर्गर अच्छा था बट मुझे इतना ज़्यादा नहीं बिकॉज इनको जो है वो मस्टर्ड फ्लेवर पसंद है, मुझे मस्टर्ड फ्लेवर इतना ज़्यादा नहीं पसंद। तो बर्गर को आप कितनी रेटिंग देंगे 5 से? 5 में से आई वुड गिव 4.5, इट वाज गुड। बर्गर और बर्गर, राइट? बर्गर या। एंड उसके बाद मंच बॉक्स को आप कितने देंगे? 5 out of 5, हाँ मुझे भी अच्छा लगा, मैं 4.5 दूंगी मैं, बिकॉज क्योंकि मुझे जो उसके चीज़ बॉल थे वो अच्छे नहीं लगे, अगर शायद वो अच्छे होते तो मैं फिर 5 out of 5 दे देती, राइट? मुझे तो अच्छे लगे थे। और एक चीज़ और, ये जो है ये पूरा प्लांट बेस्ड था जो भी हमारा था, चिकन बेकन बीफ, आप कोई भी वहाँ पे बर्गर जाके ट्राई करते हो तो ऑल आर प्लांट बेस्ड। तो जिन लोगों को नहीं पता, जिनको पता है दैट्स रियली गुड, जिनको नहीं पता कि प्लांट बेस्ड क्या होता है, ठीक है, प्लांट बेस्ड होता है जो हमारे प्लांट से बना हो या सोया से जो प्रोडक्ट बने होते हैं ना, स्पेशली जो वेगन लोग होते हैं उनके लिए वो यूज होता है। तो वेगन जो है, वेगन में आपको मैं बता दूं, अगर पता है तो अच्छी बात है, वेगन में चीज और मिल्क, जो भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं वो यूज नहीं होते हैं, हनी वगैरह कोई भी ऐसी चीज जिससे एनिमल को हार्म ही नहीं बट थोड़ा सा भी अगर पेन भी हो रहा है तो वो लोग वो चीज यूज नहीं करते हैं, वेगन लोग। और ये जो रेस्टोरेंट था ये 100% वेगन है। हाँ, और जो प्लांट बेस्ड होते हैं उनमें जैसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि कौन सा बीफ है, कौन सा चिकन है, या कौन सा पोर्क है, कौन सा बेकन है, तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट बेस्ड उसमें चीज़ें तो सारी वही होती हैं, तो वो क्या करते हैं उसको ना, वो कलर देने की कोशिश करते हैं वैसा नेचुरली ना, जैसे बेकन होता है थोड़ा सा डार्क रेड ब्राउन होता है, तो आपको जो प्लांट बेस्ड बेकन दिखेगा ना उसमें बर्गर में, तो वो डार्क रेड ब्राउन ही दिखेगा, ठीक है, और जैसे चिकन होता है चिकन वो लाइट कलर होता है, तो मतलब वो नेचुरली तरीके से ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं या आप कह सकते हैं या ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं प्लांट बेस्ड जिससे वो कलर और लुक पूरा वैसे ही आए, क्योंकि कुछ लोगों को क्रेविंग होती है ना, जैसे चिकन खाने की, चिकन छोड़ दिया किसी ने, अगर चिकन खाने की क्रेविंग है तो वो उनको खा के सबकॉन्शियस माइंड में लाइक दे कैन थिंक यू नो कि मैंने चिकन खा लिया बट इट्स वेजिटेरियन। हाँ, तो वहाँ पे काफी सारे ऑप्शन थे, वहाँ बीफ चिकन फिश और वेजिटेरियन बहुत सारे ऑप्शन थे, जो जो पैडी होती है बाकी जगह पे भी जैसे मैकडोनल्ड्स या अदर केएफसी एंड बर्गर किंग में होती है, आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा है, अगर आप कभी कभी जैसे आपका मूड है तो उसके लिए मैं तो सजेस्ट करूंगी, काफी अच्छा अपना चेंज करना चाहते हैं। और अगर आप बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन से वेजिटेरियन, जैसे हमारे पहचान में भी काफी लोग हैं जो वेजिटेरियन है बट वो
फिर भी वेजिटेरियन बर्गर या वो नहीं खाते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि वहाँ पे कंटेंट यूज होते हैं सो वो नहीं खाते. तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये, वो यहाँ पे जाके जरूर ट्राई कर सकते हैं. यस, तो ये आज हमारा फर्स्ट रेस्टोरेंट था. हाँ, तो ये था एपिसोड नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज, और थ्री मोर एपिसोड्स टू कम. तो उसमें भी हम आपको अलग अलग चीज़ें बताने वाले हैं वेजिटेरियन 100% वेगन. तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप न्यूजीलैंड ऑकलैंड में हैं तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं. ट्राई करके अगर आप ट्राई करें तो हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा. और जाते जाते हम अपने एक जो सब्सक्राइबर हैं मिस्टर सुधीर मेस्कर, आई होप हम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं आपका सरनेम, तो आपको बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू, आपने चैनल सब्सक्राइब किया और आप बहुत अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमें आइडियाज़ देते हैं वीडियो बनाने के लिए. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और आपके जो सजेशन है उस पर वीडियोस बनाएं. और डेफिनेटली जैसे कि आपने कहा था कि आपसे आप मिलना चाहते हैं हमसे, तो अगर जब भी हमें टाइम मिला हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपसे मिलें. एंड थैंक यू सो मच. और अगर और कोई भी है जो लाइक दे वांट टू सजेस्ट व्हाट वीडियो वी शुड मेक, ठीक है ना, न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड के लाइक व्हाट इज अ स्टूडेंट लाइफ हियर और यहाँ पे कैसे और क्या स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी चीजें आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस हो कुछ ऐसे रिलेटेड, तो आप चाहते हैं जरूर कमेंट करिए, डीएम करिए, हम जरूर कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की और आपको बताने की. एंड तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो.